हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिन कॉस्टिंग की बेसिक जो पॉइंट्स मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने कंट्रीब्यूशन पढ़ाया, PV रेशियो पढ़ाया, ब्रेक इवन पॉइंट आपने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है सुरक्षा सीमा, ही हमें अच्छी तरीके से समझना है। जैसा कि आपको विदित है, समविच्छेद बिंदु किस बिक्री की वह स्थिति है जहां संस्था को लाभ या हानि कुछ नहीं होता। संस्था की आय उसके खर्चों के ठीक बराबर होती है। इससे आगे बिक्री बढ़ने से कंपनी की सुरक्षा की स्थिति प्रारंभ होती है। तो कंपनी की वास्तविक बिक्री वह समविच्छेद बिंदु से जो अधिक है, हम सामान्य भाषा में उसको सुरक्षा सीमा के नाम से जानते हैं। तो इसका मीनिंग है, वास्तविक बिक्री समविच्छेद बिंदु से जितनी अधिक होगी, अधिक के सुरक्षा सीमा कहलाएगा। अर्थात एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बड़े सरल भाषा में हम जो है सुरक्षा सीमा की गणना कर सकते हैं। अतः वास्तविक बिक्री का समविच्छेद बिंदु पर अधिक ही सुरक्षा सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इसकी गणना कैसे करें आपको समझना है। इसको सिंबल है MS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स माइनस BEP सेल्स, अर्थात हमारी कंपनी की किसी एक पीरियड विशेष में क्या सेल्स है। मान लीजिए एनुअल लिया हमने, तो एनुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स कम कर दीजिए आप, तो ये हमारी सुरक्षा सीमा आ जाएगी। अगर ये रुपयों में है तो MS इन रुपीज़ आ जाएगी। ये अगर क्वांटिटी में लिया है आपने तो MS इन क्वांटिटी में आ जाएगी। और एक फॉलो और है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। हम इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी रुपयों में निकलेगी, ये भी रुपयों में, ये भी रुपयों में, वैल्यूज में। MS रेशियो पूछे आपसे, तो एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स इंटू 100 कर दीजिए। अर्थात हमने जो हमारी सुरक्षा सीमा निकाली है उसमें सेल्स का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो MS रेशियो आ जाएगा। तो ये सूत्र जो भी आपके सवाल में सूचनाएं अवेलेबल हैं, आप सुरक्षा सीमा की गणना करके दिखा सकते हैं। अब आता है सुरक्षा सीमा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या है, किसी भी व्यवसाय के लिए सुरक्षा सीमा का बहुत महत्व है। इसके अभाव में अथवा यदि इसका आकार छोटा है तो व्यवसाय पर असुरक्षा के बादल मंडराएंगी। इस संबंध में हमें बहुत सी बातें हैं जो ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंस क्या है सुरक्षा सीमा की, वो बताना चाह रहा हूँ। सुरक्षा सीमा का ऊंचा होना ये इंगित करता है कि समविच्छेद बिंदु बहुत दूर है और बिक्री की मात्रा यदि थोड़ी भी गिर गई तो कंपनी सुरक्षित है और लाभ कमाने की दिशा में ही रहेगी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना है। यदि सुरक्षा सीमा छोटी है तो यह कंपनी के लिए कठिन स्थिति को प्रकट कर सकती है। यदि सुरक्षा सीमा कम है और स्थिर लागत ऊंची है तथा लाभ मात्रा अनुपात भी ऊंचा है, तो या तो स्थिर लागत को कम करने के प्रयास करने चाहिए या बिक्री की मात्रा में वृद्धि करके सुरक्षा सीमा बढ़ानी चाहिए। यदि सुरक्षा सीमा तथा लाभ मात्रा अनुपात दोनों ही नीचे हैं और स्थिर लागत उचित है, तो परिवर्तनशील लागत को कम करने के प्रयास करने चाहिए अथवा विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए ताकि सुरक्षा सीमा बढ़ सके। तो विद्यार्थियों, जब भी सुरक्षा सीमा बढ़ानी हो तो या तो हमारी सेल्स पर यूनिट बढ़ाएं या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम करें, या यूँ कहें कि हम हमारा PV रेशियो बढ़ाएं या हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को हम कम करें, तो सुरक्षा सीमा हमारी बढ़ जाएगी। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम इनकी गणना कैसे करें, एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझना चाहते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है, गिवन सेल्स ₹1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ₹75,000, फिक्स्ड कॉस्ट ₹20,000, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, PV रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनकी गणना कैसे करें समझिए। हमें सबसे पहले निकालना कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारे है 1 लाख रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 75,000, हमने घटा दिया तो यह बच गया 25,000 रुपया हमारे क्वेश्चन में टोटल कंट्रीब्यूशन है फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। नंबर टू, हमें पूछा है PV रेशियो याद करिए। फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारे क्वेश्चन में हमने याद कर लिया 25,000, सेल्स है 1 लाख रुपया, इंटू 100 कर दिया हमने। तो अब देखिए ये 4 से कट गया, 25,000 और 1 लाख, और ये तो 25% हमारे क्वेश्चन में हमारा PV रेशियो आ गया है। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू।
मैंने वैल्यू लिया क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी नहीं दे रखी है। तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है अपने क्वेश्चन में 20,000 और पीवी रेशियो हमारा है 25%। तो बीईपी निकाल लीजिए, 20,000 में आप 25% का भाग दे दीजिए तो ये 4 गुना हो गया इसका, तो ये हो गया 80,000 रुपये। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। हमें फोर्थ पॉइंट पूछा है एम एस। फॉर्मूला हमारा है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट सेल्स दे रखी है 1,00,000 रुपया और बीपी सेल्स अभी हमने याद की है वो 80,000 रुपये है। तो 20,000 रुपये हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। तो हमारा फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100। तो सेल्स है 1,00,000, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा है 80,000, सेल्स है हमारी 1,00,000 इंटू 100। तो देखिए हमने इसको जब सॉल्व किया तो 20,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। तो इस तरीके से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना बहुत आसान से करके दिखा सकते हैं। तो अभी हम इसके 4 बिंदु पढ़ चुके हैं, अब हम कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक बातें और हैं जो मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू वॉच करते रहिए, आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।